हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, मनुष्य में पाचन तंत्र। अभी तक इसके हम चार पार्ट्स बना चुके हैं, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक मुख गुहिका से लेकर आपकी छोटी आंत तक। छोटी आंत में दो ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, लीवर और पेनक्रिया, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने वो चारों पार्ट्स नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से देख सकते हैं। यह आपका लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में और डाइजेस्टिव सिस्टम की क्रियाविधि के बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन के प्रमुख चार भाग होते हैं। पहला आपका सीकम, दूसरा कोलन, तीसरा आपका रेक्टम, चौथा एलन कैनाल। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर सीकम है और यहीं से आपकी छोटी आंत निकलती है, और छोटी आंत जो आकर कहाँ पे मिलती है, सीकम वाले भाग में आकर ओपन होती है। कोलन जो होता है बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है और इसके तीन चार पार्ट होते हैं, जैसे एसेंडिंग आपका कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन और आपका सिग्मॉइड कोलन होता है। तो ये आपका सबसे बड़ा भाग होता है कोलन, उसके नीचे आपका रेक्टम होता है और एनल कैनाल, फिर एनस आता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का आपका डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीकम यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो प्रथम भाग होता है वो सीकम होता है। यह इलियम और कोलन के बीच एक थैली जैसा छोटा जंक्शन होता है, यानी यहाँ पर छोटी आंत आकर मिलती है। छोटी आंत का लास्ट पार्ट कौन सा होता है, इलियम, जो कहाँ पर आकर ओपन होती है, सीकम में आकर ओपन होती है। इसमें एक ब्लाइंड ट्यूब होती है जो लिम्फोइड ऊतक से बना होता है, यानी नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पे एक इस टाइप से ब्लाइंड क्या था, ट्यूब लाइक संरचना थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्मी फार्म अपेंडिक्स बोलते हैं। और यह मनुष्य में वर्मी फार्म अपेंडिक्स जो होता है वेस्टिजियल होता है, इसका कोई कार्य अब नहीं है। यहाँ पे एक पॉइंट है, आप याद रखिएगा, जुगाली करने वाले जानवरों में, जुगाली का मतलब जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं, दोबारा मुंह में लाकर जुगाली करते हैं, तो ऐसे जानवरों में सेलुलोज को पचाने वाले बैक्टीरिया वर्मी फार्म अपेंडिक्स में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसमें जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या, सेलुलोज का मुख्यतः पाचन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवरों में पाए जाते हैं। अपेंडिक्स में कभी कभी संक्रमण हो जाता है, यानी आप देखेंगे कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के कारण अपेंडिक्स क्या हो जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है और स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण दर्द होता है, और इस में संक्रमण को क्या बोलते हैं, सूजन को जो हो जाता है, तो अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें जब संक्रमण होता है तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस कहते हैं। कोलन जो होता है यह आपका बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है और इसमें क्या, होस्ट्रा की तरह थैली और टीनिया की तरह बैंड पाए जाते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा जब बड़ी आंत हम बना रहे थे तो यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, मुड़े हुए होते हैं, इसमें इस टाइप से संरचना होती है, ये मुड़ा हुआ, तो इसी को किटिनिया की तरह इसमें बैंडेड पाया जाता है। रेक्टम, तो ये आपका कोलन के नीचे वाला भाग, सिग्मॉइड जो कोलन होता है उसके नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, रेक्टम कहलाता है, क्योंकि कोलन के हमने बताया कितने भाग होते हैं, चार भाग, जो हम पहले डिस्कस किया, तो उसी के नीचे वाला भाग यानी सिग्मॉइड कोलन के नीचे वाला जो भाग होता है रेक्टम होता है, और यह 12 से 15 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है, जिसमें क्या, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्डेस पाए जाते हैं। मलाशय की नसों में, यानी जो मलाशय की नसें होती हैं, यानी रेक्टम की नसों में जो होता है, नसों के बढ़ने से बवासीर या हेमोरॉइड्स हो जाता है, जिसे पाइल्स भी कहते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। कभी कभी ये नसें क्या होते हैं, हद से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, स्वेलिंग करके बाहर एक ट्यूब की तरह संरचना बनाती है और एनस की से बाहर भी लटक जाती हैं, जिससे बवासीर या हेमोरॉइड्स कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही घातक है, जब भी हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को आप दिखाएँ। एनल कैनाल, यह रेक्टम और एनस को जोड़ता है। तो एनल कैनाल क्या है, यह रेक्टम और एनस को जोड़ने वाले एक क्या, कनेक्टिंग लिंक है, और जो एनस होता है गुदा द्वार आहार नाल का अंतिम भाग होता है। एनस जो होता है वो आपका क्या है,
यानी आहार नाल का अंतिम भाग होता है जो स्पिंक्टर्स द्वारा संरक्षित होता है, यानी इसमें एक तरह से स्पिंक्टर लास्ट में पाया जाता है जिसके द्वारा क्या संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर आपका लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ आपके हार्मोन्स होते हैं जो आपके क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के जो कार्य होता है, फंक्शन क्या है, तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है वाटर और मिनरल साल्ट का एब्जॉर्प्शन करना, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इसको कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कंट्रोल करते, कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेशन होता है तो कौन कौन से हार्मोन्स इसमें भाग लेते हैं जो इम्पोर्टेंट्स है, पाँच छः उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला है गैस्ट्रिन हार्मोन्स। गैस्ट्रिन हार्मोन्स जो होता है डुओडेनम और पाइलोरिक ग्लैंड की जीव कोशिकाओं से गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है, याद रखिए। तो गैस्ट्रिन जो ये हार्मोन्स होता है कहाँ से स्रावित होता है, डुओडेनम और पाइलोरिक ग्लैंड की जीव कोशिका से गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है, जो गैस्ट्रिक जूस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा आपका एंटेरोगैस्ट्रॉन या जीप, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड पेप्टाइड, तो यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यह आपका छोटी आंत द्वारा निर्मित एंटेरोगैस्ट्रॉन गैस्ट्रिक जूस के श्रावण को क्या कर देता है, धीमा कर देता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। गैस्ट्रिन जो होता है गैस्ट्रिक जूस के श्राव जो स्रावित होता है उसको ये प्रेरित करता है, और ये हार्मोन्स क्या करता है, उसको रोक देता है। यानी हमें जब चाहिए तब ये हार्मोन्स एक्टिव होता है, जब हमारे हमको नहीं चाहिए तो ये हार्मोन्स क्या करता है, रोक देता है। यानी जिस तरह आप खाना खाते हो तो आपको कोई दे रहा है ज़बरदस्ती तो आपका पेट भर गया तो क्या करते हैं, मना कर देते हैं। तो आप समझिए कि एंटेरोगैस्ट्रॉन वही काम करता है, ज़रूरत होता है तो गैस्ट्रिन आपको अधिक से अधिक स्रावित करता है गैस्ट्रिक जूस। इसमें आपका आता है कोलिसिस्टोकाइनिन, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह डुओडिनम में पित्त की रिहाई को हार्मोन क्या सीसी के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। यानी कोलिसिस्टो हार्मोन्स होता है आपका, तो जो गॉल ब्लैडर होता है उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो पित्ताशय के लयबद्ध संकुचन को प्रेरित करता है। यानी यह जो कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स होता है यह गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे आपके डुओडिनम यानी छोटी आंत के प्रथम भाग में आपका अधिक से अधिक क्या कंटिन्यू यानी लगातार आपका पित्त आता रहे, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम है सीसी के हार्मोन्स भी कहते हैं, तो कोलिसिस्टोकाइनिन का दूसरा नाम सीसी के भी है, इम्पोर्टेंट है। अगला आपका एक हार्मोन से सीक्रेटिन हार्मोन्स, इम्पोर्टेंट है। डुओडिनम द्वारा स्रावित अग्नाशय यानी पेनक्रियाज को उत्तेजित करता है, यानी ये डुओडिनम के द्वारा, यानी ये डुओडिनम का छोटी आंत का प्रथम भाग है, इसके द्वारा स्रावित होता है और ये किसको उत्तेजित करता है, पेनक्रियाज को। और पानी और इलेक्ट्रोलाइट सहित अग्नाशयी रस की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी हमें पानी कितना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने चाहिए और पेनक्रियाटिक जूस कितना चाहिए, इन सभी को कौन कंट्रोल करता है, आपका सीक्रेटिन कंट्रोल करता है। पेनक्रियोजाइमिन, ये इम्पॉर्टेंट है, ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है, यानी ये भी डुओडिनम द्वारा स्रावित होता है और ये आपका क्या करता है, अग्नाशय यानी पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइमों की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, इम्पॉर्टेंट है। लास्ट आपका है इसमें एंटेरोक्राइनिन हार्मोन्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी आंत द्वारा स्रावित आंतों के रस यानी इंटेस्टाइनल जूस को स्रावित करने के लिए आंत को क्या करता है, उत्तेजित करता है यानी इंड्यूज करता है। आप याद रखिएगा इंटेस्टाइनल जूस को स्रावित कौन कराता है, एंटेरिक्राइनिन हार्मोन्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यह सारे हार्मोन्स कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ पे एक बार रिवाइज करेंगे मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रियाविधि कैसे होता है। अब यहाँ पे अभी तक तो हमने डिटेल पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे क्रिया विधि कैसे होता है इसको आप सुनिए। सबसे पहले हम मुख में क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं। सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ पर आता है, मुख में। जैसे आप ये मुख गए तो यहाँ पे भोजन आया। जैसे हम मुख में मुख के द्वारा हमारे ओठ पकड़ते हैं और मुख के द्वार के द्वारा भोजन कहाँ पर आता है, मुख गुहिका में। अब भोजन इंटर हो जाता है कहाँ पर, मुख गुहिका में, यह आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मुख गुहिका है, यह आपका इम्पोर्टेंट होता है।
तो यहाँ पर मुख गुहिका में आपका भोजन आ जाता है। अब मुख गुहिका में क्या होते हैं कि आपके दांत पाए जाते हैं, और ये दांत क्या होते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में जिनका काम होता है, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, जो इनका काम होता है, ये अपना काम करने के बाद जीभ का काम क्या होता है, चम्मच की तरह भोजन को, भोजन में सलाइवा करने लार को अच्छी तरह मिला दिया जाता है। और लार क्या करता है, लार में उपस्थित टाइलिन या लार एमाइलेज जो एंजाइम होता है, भोजन में उपस्थित स्टार्च या मंड को क्या करता है, ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और लार में ही एक और आपका एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम, जो भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को क्या करता है, एंटी बैक्टीरिया हो, या जो आपका एंजाइम होता है लाइसोजाइम, वो एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है। यानी भोजन अब क्या अच्छी तरह सलाइवा में मिक्स हो गया है, आपके दांत के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया गया, जीभ के द्वारा भोजन मिला दिया गया। अब यह भोजन क्या है, यानी अच्छी तरह मिक्स होने के बाद चिपचिपा लसलसा हो गया, इस भोजन को हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। अब यह भोजन बोलस आगे क्या होता है, खिसकता है, यानी आपकी मुख गुहिका से कहाँ पर आता है, ग्रसनी में होता है, ग्रसनी में इसका कोई काम नहीं, ग्रसनी से आगे बढ़ते हुए कहाँ पर पहुँच जाता है, ग्रास नली में, ये जो संरचना है ये ग्रास नली में पहुँचता है भोजन। अब ग्रास नली में जो भोजन होता है, क्योंकि ग्रास नली में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, और ये जो आपकी ग्रास नली होता है भोजन को कंडक्ट करने का काम करता है, यानी ग्रसनी से भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है, और इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। अब यहाँ ग्रसनी से भोजन कहाँ पर पहुंच गया, अमाशय में, यानी आपका स्टमक में पहुंच गया। स्टमक में भोजन 4 से 5 घंटे रहता है, और इसमें जो स्टमक में अलग अलग मसल्स पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है, सर्कुलर मसल्स पाई जाती है, ऑब्लिक्यू मसल्स पाई जाती है, जो भोजन को अच्छी तरह क्या करती है, मठने का काम करती है। और इंटेस्टाइन में ये देखिए, जो ये इंटेस्टाइन है, इसमें आपकी गैस्ट्रिक आपके क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं, और गैस्ट्रिक जूस में कई प्रकार के आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन, प्रोरेनिन, ये सब एंजाइम जो होते हैं क्या करते हैं, भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन, सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आपके स्टमक में होता है। तो ये सभी जो आपके गैस्ट्रिक जूस होता है, तो भोजन में अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स हो जाता है, HCl यहाँ पर रिलीज होता है, HCl जो होता है पैराइटल सेल से रिलीज होती है, और पैराइटल सेल से रिलीज HCl होता है, तो ये आंत के pH को क्या करता है, एसिडिक कर देता है, क्योंकि आपका जो HCl का pH होता है 1.5 से लेकर आपका आपका 3 तक होता है, यानी एसिडिक मीडियम ये बनाता है। अब भोजन में आए हुए सभी हानिकारक पदार्थों को क्या करता है, नष्ट कर देता है। HCl का और काम क्या होता है, ये प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन को क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में कर देता है, जिससे आपका प्रोपेप्सिन पेप्सिन में, प्रोरेनिन आपका रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। रेनिन जो होता है ये आपको दूध में उपस्थित केसिन को किस में बदल देता है, कैल्शियम पैरा केसी नेट में बदल देता है, और आपका पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। अब यहाँ पर भोजन अच्छी तरह आपका HCl और गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो जाता है। इस भोजन को, यानी यह आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। अब यह काइम जो भोजन होता है वो आगे बढ़ता कहाँ पर, छोटी आंत में पहुँचता है। अब ये जब छोटी आंत में पहुँचता है तो छोटी आंत से 2 ग्लैंड लगी होती है, कौन सा, आपका लीवर और पेनक्रियाज। लीवर क्या होता है कि लीवर में आपका पित्त का फॉर्मेशन होता है, और पित्त कहाँ पे स्टोर होता है, गाल ब्लडर या पित्ताशय में होता है, और ये क्या, बाइल डक्ट के द्वारा पेनक्रियाटिक डक्ट संयुक्त रूप से कहाँ पे खुलती है, छोटी आंत के प्रथम भाग डुओडिनम में, क्योंकि छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं आपको, कौन कौन से, डुओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो डुओडिनम में आपका लीवर से क्या आ रहा है, आपका आपका बाइल जूस आ रहा है, और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है, और पेनक्रिया जो होता है सबसे बड़ी, यानी सेकेंड ग्लैंड लार्जेस्ट होते हैं, और ये क्या होती है, सबसे बड़ी, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होती हैं, तो इनके द्वारा, और यहाँ पर आपके इंटेस्टाइनल जूस यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस स्रावित होता, और ये तीनों पाचक जो जूस होते हैं, बाइल जूस हो गया, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, अच्छी तरह भोजन को कम्प्लीटली क्या कर देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, यहाँ पर कुछ बचता नहीं है।
अधिकतर पाचन कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम वाले भाग में होता है। और अवशोषण का काम किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत के इलियम वाले भाग में भोजन का क्या होता है? और पचे हुए भोजन का अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन होता है। अब यहाँ से भोजन कहाँ पर पहुँचता है? बड़ी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत से भोजन अब कहाँ पर पहुँच गया? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। याद रखिएगा, बड़ी आंत में क्या होता है? केवल यहाँ पर मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। अब यहाँ पर वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होने के बाद यह भोजन कहाँ पर पहुँचता है? यह भोजन आपका अब आगे पहुँचता है। जो भोजन अब पचा नहीं है यानी वेस्ट अब हो गया, पूरा वेस्ट मटेरियल पहुँचता है। ये मलाशय में, और मलाशय से होता हुआ गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह मनुष्य में पाचन तंत्र की क्रियाविधि भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 से 2 बार आप इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक था। और आशा है कि अगर ये आप पूरा अगर पढ़ लेते हैं तो इससे कोई भी अगर प्रश्न बनता है तो आप पूरा करके आएंगे। तो फिर आपको किसी नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।